आप लोग काफी चर्चा में सुनते रहते होंगे अंटार्कटिका के बारे में। याद रखिए, यह मानव का कोई स्थायी आवास नहीं है, लेकिन कई देशों के यहाँ अनुसंधान चलते रहते हैं, जैसे भारत में दक्षिणी मैत्री हो गया या मैत्री हो गया, इस तरह के हमारे भी यहाँ एक तरह से क्या है, अनुसंधान है। आप देखेंगे ये हमारा प्यारा एशिया, इसमें आपको भारत देखने को मिलेगा। ये यहाँ पड़ोसियों की बात करें तो यहाँ श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, नीचे लक्षद्वीप सागर। आप लोग नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका। यहाँ है आपका अंटार्कटिका, क्या है ये, क्या है आपका, पृथ्वी का दक्षिणतम बिंदु है। ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, क्या है, महासागरों से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि आप देखेंगे एशिया और अफ्रीका, जैसे एशिया आपका ये हो गया, ठीक है, एशिया कौन सा हो गया, ये है आपका एशिया। उसके बाद आप देखेंगे अफ्रीका, ये हो गया, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पांचवें नंबर पे है आपका अंटार्कटिका, क्षेत्रफल के मामले में बता रहा हूं। लेकिन यहाँ आपको देखने को मिलेगा कुछ पेड़ पौधे, एक तरह से जो शीत यानी कि ठंडे प्रदेशों में जो पौधे पाए जाते हैं या जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे जीवों में आप देखते होंगे कि पिंगुइन हो गया, सील हो गया, नेमेटोड हो गया, टाइडीगेट हो गया, पिस्सू हो गया, इस तरह के सूक्ष्म जीव भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्यों चर्चा में बना हुआ है अभी, क्योंकि यहाँ भी कोरोना वायरस पहुंच चुका है। जो यहाँ अनुसंधान में जो व्यक्ति लगे हुए हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ समय पहले और चर्चा में बना हुआ था, किस लिए चर्चा में बना हुआ था, उस समय ये कहा गया था कि अंटार्कटिका पर भी प्लास्टिक प्रदूषण देखा गया है। आप सही समझिए, जहां स्थायी आवास नहीं है मानव का, वहां भी अगर प्रदूषण पहुंचता है तो एक चिंता का कारण बन जाता है, ठीक है। और इस तरह के जब भी चर्चा में रहा करें टॉपिक जो भी, तो उनसे आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है या आपका मुख्य परीक्षा में भी पूछ सकता है। हाल ही में देखा होगा आपने कि अंटार्कटिका में चिली के एक अनुसंधान केंद्र में 36 लोग नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अंटार्कटिका में वायरस की उपस्थिति का यह पहला मामला है। अंटार्कटिका भारत सहित कई देशों द्वारा स्थापित लगभग 60 स्थायी स्टेशनों को छोड़कर निर्जन है, यानी कि केवल यहाँ कोई कुछ अनुसंधान ही चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि यहाँ जाने आने का काम होता है, यहाँ स्थायी निवास नहीं है किसी का। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है। इसमें भौगोलिक रूप से दक्षिणी ध्रुव शामिल है और यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। 140 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि 54 लाख वर्ग मील में फैला हुआ यह विश्व का 14वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब ये मालूम नहीं चल रहा है मुझे, पांचवा, देखिए मैंने कई जगह पढ़ा है पांचवें नंबर पर बताया जा रहा है, 14वें मामले में किस तरह से बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ मिस्टेक हो गया होगा, पांचवें नंबर पर होगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपको लगता है अगर इस तरह से सही है तो बताइए नीचे, थोड़ा विस्तार से बताइए, मुझे भी मालूम चले, लेकिन मेरी जान में पांचवें नंबर पे है, ठीक है। पहले नंबर पर आप एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका। भारतीय आर्कटिक अंटार्कटिक कार्यक्रम एक बहु अनुसंधान अनुशासनात्मक बहु संस्थागत कार्यक्रम जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च के नियंत्रण में, भारत की बात कर रहा हूं, भारत ने आधिकारिक रूप से अगस्त 1983 में अंटार्कटिक की संधि प्रणाली को स्वीकार किया था। और अंटार्कटिक में अनुसंधान की बात करेंगे भारत की, तो एक देखते होंगे आप लोग दक्षिणी गंगोत्री, यह भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था। तो याद रखिए पहला है दक्षिणी गंगोत्री। वर्तमान में इसकी स्थिति दुर्बल हो गई है और यह सिर्फ एक आपूर्ति स्टेशन बनकर रह गया है। दूसरा भारत का है मैत्री। अंटार्कटिका में मैत्री भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसका निर्माण वर्ष 1989 में हुआ था और मैत्री पथरीले पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है, जिसे सिरमाकर ओएसिस कहा जाता है। भारत में मैत्री के चारों ओर एक मीठे पानी की झील भी बनाई गई है, जिसे प्रिय दर्शनी झील के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग देखते होंगे हमारे इंदिरा गांधी जी को भी प्रिय दर्शनी कई बार बोल दिया जाता है, ठीक है। अब ये नहीं कह सकता हूं कि उन्हीं के नाम पर एक तरह से इसका नाम रख दिया गया, हो सकता है रख दिया गया हो। एक भारती भी आप लोग सुनते रहते हैं, भारती वर्ष 2012 से भारत का नवीनतम यानी कि नया अनुसंधान स्टेशन है। इसका निर्माण कठोर मौसम में शोधकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। यह भारत की पहली प्रतिबद्ध अनुसंधान सुविधा है और मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अन्य अनुसंधान सुविधाओं की बात करें तो एक सागर निधि के बारे में आप सुनते रहते हैं। वर्ष 2008 में भारत ने अनुसंधान
हेतु सागर निधि पोत को शामिल किया। यह एक आइसबर्ग पोत है जो 40 सेंटीमीटर गहराई की पतली बर्फ की परत को काट सकता है और अंटार्कटिक के पानी की को नेविगेट करने वाला पहला भारतीय पोत है, क्योंकि यहाँ देखेंगे समय समय पर बर्फ जमी रहती है एक तरह से, तो उसके लिए उस हिसाब से सुविधा होती है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि यहाँ कुछ ठंडे प्रदेशों में जो सूक्ष्म जीव रह सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, वही पाए जाते हैं। ठीक है, अंटार्कटिक के संधि प्रणाली की बात करें तो अंटार्कटिक संधि और संबंधित समझौतों को सामूहिक रूप से अंटार्कटिक संधि प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यह अंटार्कटिका के संबंध में अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करती है और अंटार्कटिक संधि सचिवालय का मुख्यालय ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा, तो इस तरह का मुख्यालय भी आपको याद रखना है। अंटार्कटिक संधि की बात करें तो 1961 में लागू हुई थी और वर्तमान में इसमें 53 दल शामिल हैं। एक वैज्ञानिक संरक्षण क्षेत्र के रूप में अंटार्कटिका को अलग करता है। प्रावधान की बात करें तो इसका उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। अंटार्कटिका में वैज्ञानिक जांच की स्वतंत्रता और सहयोग जारी रहेगा। अंटार्कटिका से वैज्ञानिक टिप्पणियों और परिणामों का आदान प्रदान और उन्हें स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र की बात अगर हम लोग करें तो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र को वर्ष 1998 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। यह आपको गोवा में देखने को मिलेगा। हमारे आप जानते हैं ना कि हमारे राज्य भारत का एक राज्य है गोवा, उसी की बात कर रहा हूं मैं। आप लोग कई लोग जाते भी हैं वहां, मुझे लगता है जिंदगी में एक बार आपको जाना भी चाहिए, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, और यह दक्षिणी ध्रुवी और दक्षिणी महासागर क्षेत्र में देश की अनुसंधान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। यह देश में ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ संबंधित लॉजिस्टिक गतिविधियों के लिए संपूर्ण योजना संवर्धन समन्वय और निष्पादन हेतु नोडल एजेंसी है। इसके प्रमुख कार्यों में शामिल की बात करें तो भारतीय अंटार्कटिक अनुसंधान मामलों के प्रबंधन और मैत्री भारती और भारतीय आर्कटिक स्टेशन हिमाद्री का रख रखाव करना है। हिमाद्री के बारे में बात करें हम लोग तो भारत ने 2007 में आर्कटिक महासागर में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया और ग्लेशियोलॉजी एट्रोसोनिक विज्ञान और जैविक विज्ञान जैसे विषयों में अध्ययन करने के लिए जुलाई 2008 में नॉर्वे के स्वालवार्ड में हिमाद्री नाम से एक शोध स्टेशन भी खोला था। तो यही कहानी है आपके अंटार्कटिका की। ठीक है, यहाँ है आपका मैप में भी आप लोग याद रखिए। इस तरह के जो भी महाद्वीप टॉपिक में मतलब चर्चा में रहते हैं तो उसके बारे में आप लोग सामान्य जानकारी इकट्ठा कर लिया करिएगा कि हो सकता है क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ ले आप लोगों से, तो आपको मालूम तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मालूम तो होना चाहिए कि किस कहाँ है, कौन सा है। ठीक है, तो यही कहानी आपकी।